हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज को। जितने भी एसएससी सीजीएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ईडियम्स एंड फ्रेज आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है, जैसे कि आप समझ सकते हैं आपने एसएससी का फॉर्म भर दिया है और आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको लगानी होगी कि एग्ज़ाम पहले कैसे आया है, किस पैटर्न पर आते हैं क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपके लिए एक बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, उसको आप खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर टीयर वन के आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 2023 का पूरा सेट इसके अंदर है, पूरे जितने भी आपके जनरल नॉलेज है या तो रीजनिंग है या तो आपकी इंग्लिश हुई, मैथ्स है, सारा एग्ज़ाम पैटर्न आपको अच्छे से समझाया गया है, मार्किंग स्कीम बताई गई है। और उसके बाद टीयर में जितने भी प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया था उसके सॉल्व करते हुए सारे प्रैक्टिस सेट को दिखाया गया है। आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप होगा ये बुक आपके लिए बहुत सारे आपको ये आइडियाज़ देगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें, किस लेवल से आपको तैयारी करनी है। तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इसको ज़रूर से ज़रूर खरीदें। और आपके लिए ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब में अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर करके इस बुक को ले सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चंस वो सारे इस बुक में हैं, आप इसको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और यूज़ में ले आ सकते हैं। मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी में ये सारा चीज़ दिखा दिया है, आप इसको एक नज़र देख लें और उसके बाद हम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट बुक, जिसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इन सारी वेबसाइट्स पे जाके इजीली आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसका जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी ईडियम्स हैं सारे एसएससी सीजीएल में रिपीटेड है और आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है वो है विद ओपन आर्म्स। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा आए कि विद ओपन आर्म, इसका मतलब क्या होता है? खुले दिल से किसी का स्वागत करना, वार्मली वेलकम करना, ओपनली वेलकम करना, ठीक है। तो विद ओपन आर्म्स मतलब होता है खुले दिल से, ठीक है, जिसको हम वार्मली कहते हैं। खुले दिल से किसी का भी वेलकम करना। नेक्स्ट है आपका टुक हार्ट। टुक हार्ट का मतलब हिम्मत बांधना होता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले जब आपको डर लगता है तो ये कहा जाता है कि हिम्मत से काम लो, हिम्मत बांधो। तो हिम्मत बांधना टुक हार्ट कहलाता है, जिसको गैदर्ड करेज कहते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में ये आए इसका मतलब होता है हिम्मत बांधना। नेक्स्ट है आपका ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन पीरियोडिकली कहते हैं, यानी कभी कभार, जो चीज़ें कभी कभार हो, ओकेजनली हो, रेयरली हो, उसको ऑफ एंड ऑन कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर 2019 में एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था ऑफ एंड ऑन का, ईडियम एंड फ्रेज का। तो इसका मतलब होता है पीरियोडिकली, जिसको हम बोलते हैं कभी कभार। नेक्स्ट है आपका अप इन आर्म्स। कभी ऐसा आए अप इन आर्म्स, इसका मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना, ऐसा होता है, टू बी एंग्री कहलाता है, ठीक है। अप इन आर्म्स आए, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। अब नेक्स्ट क्या है? लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड कभी आए, ऐसे तो आप इसका कोई ऐसा निमोनिक ट्रिक नहीं बना सकते, लेकिन इसको याद करना, जिसका मतलब टू बी इग्नोर होता है। इग्नोर मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, किसी को भी नज़रअंदाज करना क्या कहलाता है? लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? नज़रअंदाज करना। हल्का सा आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, किसी को ठंड में आप छोड़ के आ गए, उसको आपने इग्नोर कर दिया, इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है हैंडल विद किड ग्लव्स, यानी किसी को भी बहुत ज़्यादा देखभाल करना, उसको अत्यधिक देखभाल करना क्या कहलाता है? हैंडल विद किड ग्लव्स, यानी उसको इतने बच्चों की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, ठीक है, जिसको कहते हैं टू ट्रीट समवन विद ग्रेट केयर, किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल करना हैंडल विद किड ग्लव्स कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम, यानी अत्यधिक देखभाल करना। अब देखो आगे की ईडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ईडियम है वो है आपका वॉक अगेंस्ट द क्लॉक। कभी भी आए इसका मतलब होता है कोई भी काम बहुत जल्दबाजी से उतावला होके करना, वॉक अगेंस्ट द क्लॉक कहलाता है, जिसको हम कहते हैं वर्क इन ग्रेट हरी, यानी बहुत ही ज़्यादा जल्दी शीघ्रता से कोई काम करना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जल्दी काम करना, कोई भी काम बहुत शीघ्रता से करना, वॉक इन को बोलते हैं
वॉक अगेंस्ट द क्लॉक हम इन टर्म्स ऑफ ईडियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेड ऑफ रोजेज। आप समझ सकते हैं बेड ऑफ रोजेज का मतलब कोई भी आरामदायक स्थिति को कहते हैं। अगर मान लो आप चल रहे हैं, अगर आपके पैरों के नीचे कंकड़ है तो आपको मुश्किल होगी, अगर आपके पैरों के नीचे फूल बरसाए हैं आपको उसको चलने में आराम होगा। इससे आप याद कर सकते हो बेड ऑफ रोजेज मतलब एक कंफर्टेबल सिचुएशन को बोलता है जिसको आरामदायक स्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इंस्टेंटली हो जाए। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप कहते हैं ना कि मुझे भूख लगे, इंस्टेंट कुछ मिल जाए, यानी तुरंत कुछ मिल जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसी को हम कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जिसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, थोड़ा सा लर्न कर लेना। मेक अ बी लाइन फॉर, इसका मतलब होता है सीधे जाना, गो स्ट्रेट टू कहते हैं जिसको, मतलब बिल्कुल लाइन में सीधे जाना, सीधे जाने को हम मेक अ बी लाइन फॉर बोलते हैं। लाइन समझ लेना कि लाइन में है यानी सीधा है, इससे याद कर लेना, जिसको बोलते हैं बिल्कुल सीध में। नेक्स्ट है आपका टच एंड गो। कभी ऐसा है, इसका मतलब अनिश्चित चीज़ों के लिए होता है, जो चीज़ सर्टेन ना हो, अनसर्टेन हो। सर्टेन वर्ड का मतलब निश्चित होता है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता है, यानी टच एंड गो कभी भी है, इसका मतलब जो चीज़ें श्योर ना हो, अनिश्चित हो। देखो आगे के idioms। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो idiom है वो है आपका अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब सच्चा ईमानदार होना होता है, जिसको ऑनेस्ट एंड फ्रेंक कहते हैं। सच्चा और ईमानदार होना अबव बोर्ड कहलाता है, जिसको हम कहते हैं सच्चा और ईमानदार। नेक्स्ट है आपका एट सी। एट सी मतलब कंफ्यूज होना, जब आप कोई भी चीज़ के लिए व्याकुल हो, चिंतित हो, कंफ्यूज हो, क्या करे क्या ना करे, एट सी कहलाता है। ठीक है, कंफ्यूज होना जिसको हम कहते हैं व्याकुल, या तो चिंतित होना कहते हैं। नेक्स्ट है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव मतलब अ नैरो एस्केप, यानी बचने का बहुत ही पतला रास्ता होना, या तो बाल बाल बचना, अ नैरो एस्केप कहते हैं। ठीक है, अ नैरो एस्केप, अ क्लोज शेव, इसका मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना, या तो बहुत पतला रास्ता कहीं से भी निकलने का। ठीक है, किसी भी दुविधा से निकलने का। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब आप जब नाकामयाब होते हैं उसको कहते हैं, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं टू फेल टू मेक एन अटेम्प्ट, किसी भी कोशिश में नाकामयाब होना क्या कहलाता है, फॉल फ्लैट कहलाता है, यानी नाकामयाब होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, SSC CGL प्रीवियस ईयर idioms की ये छोटी छोटी क्लासेस लगातार आती रहेंगी आपकी। जैसे कि आज मैंने आप डेली चार दिन आएगी, जिसके अंदर 15 idioms होंगे, यानी टोटल 60 idioms आपके हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपके जो प्रीवियस ईयर में idioms आए थे SSC CGL टीयर फर्स्ट सेकंड में, जो आपका 2019 है या 20 है, 21 में है, वो सारे idioms हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो आपकी थी फर्स्ट क्लास थी, जिसके अंदर हमने 15 idioms करे हैं, ऐसी और क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत छोटी क्लास है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।